नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, क्या उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति को हर्बल घी दिया जा सकता है? इस प्रश्न पर डॉक्टर सुदर्शन का कहना है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना 1 से 2 चम्मच की छोटी खुराक में घी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नहीं बढ़ाता है। हर्बल घी औषधीय जड़ी बूटियों के साथ संसाधित घी है। इनमें से अधिकांश जड़ी बूटियां जैसे कि गिलोय, नीम आदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। उदाहरण के लिए पटोलाधिग्रत एक हर्बल घी है जिसमें परवल की जड़, कुटकी, अड़ोसा, नागरमोता, कालमेघ आदि शामिल है जो कोलेस्ट्रॉल के उपचार के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि हर्बल घी के सामान्य खुराक के सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। पंचकर्म से पहले की गई स्नेहपान या आंतरिक स्नेहन नामक एक प्रक्रिया में हर्बल घी को बहुत अधिक मात्रा में प्रशासित किया जाता है। हर्बल घी के इस उच्च खुराक का उद्देश्य शरीर के गहरे ऊतकों और अंगों में संचित विषाक्त पदार्थों को पिघलाना है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति को सख्त कैलोरी प्रबंधित आहार का पालन करने की सलाह दी जाती है। इसलिए भले ही हर्बल घी की उच्च खुराक दी जाती है, लेकिन यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नहीं बढ़ाता है। यह और बात है कि कुछ पोषण से भरपूर हर्बल घी है जो शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए है। उदाहरण के लिए चागलाधिग्रत, विदार्याधिग्रत आदि। इन्हें बहुत अधिक मात्रा में लंबे समय तक लेने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर तत्काल के लिए बढ़ सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।